Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic, that is comparison of adjectives. क्या मतलब हुआ इसका? Comparison का मतलब क्या होता है? तुलना करना, compare करना. दो चीजों के बीच में compare करना, ठीक है? और adjective क्या है? हम लोग जानते हैं. Noun या pronoun का क्या बताता है? गुण बताता है. Okay? तो हम लोग गुण का comparison करेंगे. कोई भी गुण का. जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, टॉल का कंपैरिजन हम लोग किए हैं. आइए देखते हैं क्या है. मोहन इज अ टॉल स्टूडेंट. मोहन एक लंबा विद्यार्थी है. ओके, सेकंड सेंटेंस इज मोहन इज टॉलर देन रोहन. मोहन रोहन से लंबा है. ओके, मोहन इज अ टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. मोहन क्लास में सबसे लंबा है. ओके, तो क्या समझे यहाँ पे? कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. क्या कंपेयर कर रहे हैं? लंबाई, कि कौन ज्यादा लंबा है. ओके, तो ये कंपैरिजन जो कर रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव कौन से लिए हैं? टॉल. ऐसे ही बहुत सारा एडजेक्टिव होता है जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. ओके, अब आइए फिर से एग्जाम्पल पे. मोहन इज अ टॉल स्टूडेंट. मोहन एक लंबा विद्यार्थी है. अब इसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या किसी से? इसमें किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि मोहन एक लंबा विद्यार्थी है. ठीक है, इसमें कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं. इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री. क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं. ओके, अब देखिए मोहन इज टॉलर देन रोहन. ठीक है, मोहन रोहन से लंबा है. इसमें कितने के बीच कंपेयर कर रहे हैं? दो के बीच. कौन कौन? एक मोहन और एक रोहन. इन दोनों की लंबाई में कंपेरिजन कर रहे हैं. ठीक है, इन दोनों की लंबाई को कंपेयर कर रहे हैं. तो जब भी दो के बीच कंपेरिजन करेंगे उसको हम लोग कहेंगे कंपेरेटिव कंपेरेटिव डिग्री. क्या कहेंगे? कंपेरेटिव डिग्री. ओके, दो के बीच कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव डिग्री. अब देखिए मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. मोहन क्लास में सबसे लंबा है. अब क्लास में कितने बच्चे होते हैं? ज्यादा होंगे ना, दो से ज्यादा होंगे ना. तो दो से ज्यादा यानी तीन या उससे ज्यादा का कंपेरिजन अगर करता हो, तीन या उससे ज्यादा, 4, 5, 10, 20, 50, 60, 70, ओके, इतने के बीच में कंपेयर करना हो तो उसके उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे. ओके, ये कितने के बीच कंपेयर कर रहे हैं? दो से ज्यादा के बीच. पूरे क्लास के बच्चे के कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? मोहन से. ओके, तो इसमें हम लोग ये कौन सा डिग्री हुआ? ये हुआ सुपर लेटिव डिग्री. क्या समझे? कोई भी कंपेरिजन नहीं करेंगे तो वो कौन सा डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, अगर दो के बीच कंपेयर करेंगे तो कौन सा डिग्री होगा? कंपेरेटिव डिग्री. और अगर दो से ज्यादा यानी तीन या उससे अधिक के बीच कंपेयर करेंगे तो कौन सा डिग्री होगा? सुपरलेटिव डिग्री. ओके, तो हम लोग क्या समझे? डिग्री कितने हुए? कंपेरिजन कितने टाइप के हुए? तीन टाइप के, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक चीज और. कंपेरेटिव डिग्री, और देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है ना, टी ए डबल एल टॉल. कंपेरेटिव डिग्री में क्या किए हैं? देखिए तो यहाँ ई या आर एड किए हैं, गॉट इट. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या किया? देखिए ये टॉल है और यहाँ ई एस टी एड किए हैं. ये है ना, यानी हम लोग क्या समझे इससे? पॉजिटिव डिग्री में ओरिजिनल फॉर्म होता है एडजेक्टिव का. कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग ई और आर दो चीज ऐड कर देते हैं. सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ये तीन लेटर ऐड करते हैं. ओके, तो क्या बना? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. इसमें ई आर ऐड किया, इसमें ई एस टी ऐड किया तो सुपरलेटिव बन गया, ई आर ऐड किया तो कंपेरेटिव बन गया. ओके, एक चीज और देखिए,
कंपेरेटिव डिग्री होगा तो इसमें द आएगा, ओके, और सुपरलेटिव डिग्री होगा तो इसके पहले द आएगा, गॉट इट। कंपेरेटिव डिग्री होगा, ये कंपेरेटिव डिग्री हो गया ना, इसके बाद क्या आएगा, द आएगा, ओके, और ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना तो इसके पहले क्या आएगा, द आएगा, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाने का, आइए देखते हैं क्या रूल्स है। फर्स्ट रूल इज बाय एडिंग ईआर एंड ईएसटी, अभी हम लोग देखें कि ईआर और ईएसटी ऐड करके हम लोग कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं, वही रूल यहाँ लिखा हुआ है। जैसे टॉल, तो टॉल देखिए ईआर एड किए, टॉल तो वही है, ये जो टॉल है वही टॉल यहाँ भी है, इसमें क्या किए ईआर एड कर दिए तो टॉलर बन गया, देखिए टॉल और इसमें ईएसटी ऐड कर दिए तो टॉलेस्ट बन गया, तो ये टॉल क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, ये क्या हो गया टॉलर, कंपेरेटिव डिग्री, ये क्या हो गया टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ओके। देखिए स्लो, स्लोअर ईआर ऐड कर दिए तो स्लोअर बन गया, ईएसटी ऐड कर दिए तो स्लोवेस्ट बन गया, ओके। बिग, देखिए इसमें ईआर ऐड कर दिए तो बिगर बन गया, ईएसटी ऐड किए तो बिगेस्ट बन गया, ये सुपरलेटिव हो गया, वो कंपेरेटिव हो गया। एक चीज में ध्यान दीजिए, इसमें जी जी दो बार लिखे हैं, पॉजिटिव डिग्री में जी एक बार है लेकिन कंपेरेटिव में एंड सुपरलेटिव में दो बार लिखे हैं, ओके। देखिए सेफ, एस ए एफ ई आर, एस ए एफ ई एस टी, इसमें देखिए केवल आर ऐड किए हैं और इसमें केवल एस टी ऐड किए हैं, एस ए एफ ई तो पहले से ही है इसमें, एस ए एफ ई तो इसमें भी पहले से है, तो क्या ऐड किए हैं, आर और एस टी, ओके। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, बिगर में जी रिपीट करते हैं, दो बार लिखते हैं, सेफ में ई को हम लोग, ई पहले से है तो हम लोग केवल आर और एस टी ऐड करते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड रूल इज कैसे चेंज करते हैं कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव में, बाय ड्रॉपिंग वाई एंड बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग आई ई आर आई ई एस टी। हम लोग वाई अगर होगा किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर वाई होगा तो उस वाई को हटा कर क्या ऐड करेंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई आर ऐड करके कंपेरेटिव बनाएंगे और आई ई एस टी ऐड करके सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे हैप्पी, हैप्पी है ना, देखिए लास्ट में वाई है ना, तो वाई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एच ए डबल पी, एच ए डबल पी, देन आई ई आर ऐड कर दिए, ओके। अब देखिए यहाँ भी एच ए डबल पी और आई ई एस टी ऐड कर दिए तो क्या बन गया, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। तो क्या समझे हम लोग, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में वाई होगा तो वाई को हटा देंगे और आई ई आर ऐड करेंगे तो कंपेरेटिव बनेगा, आई ई एस टी ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा, ओके। जैसे देखिए बीजी, वाई है लास्ट में, वाई हटाकर आई ई आर ऐड किए तो बीजीआर बन गया, वाई हटाकर आई ई एस टी ऐड किए तो बीजीएस्ट बन गया, ओके। ईजी, वाई है, वाई हटा दिए तो क्या बन गया, आई ई आर ऐड किए तो ईजीआर बन गया, वाई हटा दिए आई ई एस टी ऐड किए तो ईजीएस्ट बन गया, ओके। फनी, वाई हटा देंगे तो क्या बनेगा, ए क्यू डबल एन आई ई आर, फनियर, ए क्यू डबल एन आई ई एस टी, फनियस्ट, ओके। तो क्या समझे, वाई हटा करके आई ई आर और आई ई एस टी ऐड करेंगे तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनेगा। नेक्स्ट रूल है बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट, मोर और मोस्ट का यूज करेंगे कैसे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डिग्री में है, यहाँ क्या हो गया, मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो यहाँ मोर ऐड किए, यहाँ मोस्ट ऐड किए। तो क्या समझे हम लोग, कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं, जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं, उसमें हम लोग मोर लगाकर कंपेरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, ओके। जैसे ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगाकर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं, गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट रूल इज सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल। अगला क्या कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, उनमें कोई रूल काम नहीं करता है। कौन सा रूल? ये रूल जैसे काम कर रहा था ना, आई या आई पी एस लगा रहे थे वाई हटाकर, मोर और मोस्ट लगा रहे थे बड़े बड़े एडजेक्टिव्स वाले वर्ड में, ठीक है, ई आर ई एस टी लगा रहे थे। लेकिन कुछ होते हैं जिसमें काम नहीं करता है, ये कोई भी रूल जो पढ़े हम लोग वो काम नहीं करता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, इसमें कोई रूल काम नहीं कर रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा वन बाय वन। बैड वर्स वर्स, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट। अब देखिए यहाँ पे मच और मेनी इन दोनों का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव सेम होता है, ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो भी हम लोग पढ़े हैं ये रूल ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी रूल काम नहीं करता है, ओके। तो ये था कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।